चंदौर पांडियाडीह शिव मंदिर प्रांगण में कार्तिक श्रीमद् भागवत कथा सह ज्ञान गंगा यज्ञ का शुभारंभ तुलसी शोभा यात्रा के साथ किया गया। कथा व्यास से संस्थापक श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर सुरेंद्र हरिदास महाराज का प्रवचन 21 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोग श्रवण करेंगे। तुलसी शोभा यात्रा में 251 महिला एवं युवतियाँ शामिल हुई। कथा व्यास सुरेंद्र हरिदास महाराज ने बताया कि कलयुग में ईश्वर का भजन करने से ईश्वर की कृपा होती है। श्रीमद् भागवत कथा से हृदय को पवित्र करें और परमात्मा की भक्ति भजन सदैव करें। वहीं पार्षद छोटू सिंह ने कहा कि तेतुलमारी पांडेडीह का सौभाग्य है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा को सुने एवं पूजा पाठ में शामिल हों। वहीं मौके पर सुरेंद्र हरिदास महाराज, मुख्य यजमान आशीष वर्मा, सहपत्नी पार्षद छोटू सिंह, संजय कुमार वर्मा, विगन वर्मा, अनिल वर्मा, पूर्व पार्षद बिरजू बावरी, प्रमोद वर्मा, श्रवण वर्मा, अन्य लोग उपस्थित रहे। आज समस्त माताएं बहन इस कार्तिक महीना में, इसको दामोदर मास भी बोलते हैं, इसी महीना में भगवान को यशोदा मैया रस्सी से बांधे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ब्रह्म को रस्सी से नहीं बांध सकते हैं। अपने आप को फिर उसी उधर में रस्सी से ठाकुर जी यशोदा मैया के उस में बंधे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अधीन हैं और जहाँ उनके भक्त होते हैं स्वतः भगवान वहाँ चल करके समस्त नागरिकों पे, गांव नगर पे कृपा करते हैं। और यही कृपा हमारे पांडेडी तेतुलमारी वासियों पे हो चुका है। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ और भागवत रूपी गंगा स्वतः चल करके आई है। अब आप तमाम भक्तों से निवेदन है, इस ज्ञान गंगा यज्ञ को मिलजुल करके सफल करके इस ज्ञान गंगा यज्ञ को सफल करेंगे। सबसे पहली बात बताना चाहते बंधुओं, सतयुग में भगवान मिलते थे लाख लाख वर्ष तपस्या करने से। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता में भगवान मिलते हैं भगवान का यज्ञ करने से। सौभाग्य है पांडेडी तेतुलमारी का कि आज राम कथा सुनने का हम लोग का सौभाग्य मिला। इतना बड़े बड़े जो पंडित जी, पुजारी जी आए हैं, उनका हम लोग का आशीर्वाद मिलेगा पूरा पांडेडी तेतुलमारी का। अब मैं सभी यहाँ के नागरिक से अपील करूंगा कि कथा अवश्य सुने और पूजा पाठ में भाग ले। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बागमारा झारखंड से युधिष्ठिर महतो की रिपोर्ट।